अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्टी फूड विद तमन्ना। आज हम बनाने जा रहे हैं कोरमा राइस। तो ये हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसमें तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बनते हैं। तो ये हमने मटन लिया है 1 किलो, जो कि छोटे पीस में है, और इसे बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ है हमने। ये 3 अनियन कट किए हैं। ये हमने इलायची ली है छोटी, कुछ पीस लिए हमने, ये बड़ी इलायची ली है, लौंग लिए हैं थोड़े पैसे, और ये हमने लकड़ी ली है दालचीनी लकड़ी, और ये 2 टेबल स्पून जीरा, तेज पत्ता और काली मिर्च। ये काली मिर्च हमने थोड़े से लिए हैं। 1 कटोरी दही, और ये 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, 2 शिमला मिर्च है ये, टमाटर, और ये लहसुन और अदरक लिया है हमने। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये हमने कुकर लिया है, अब हम इसको गरम करेंगे। कुकर गरम हो गया, इसमें ऑयल डाल रहे हैं। इतना ऑयल डालें कि हमने जो प्याज कट की है वो अच्छे से ब्राउन कर सके। तो ये ऑयल गरम होगा, तेल गरम हो गया है बहुत अच्छे से, देखिए। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। आप इसे कम आंच में यानी लो फ्लेम पे इसे ब्राउन करेंगे, इस तरह से चलाना नहीं है, चलाना है मतलब। तो इस तरह लो फ्लेम पे हम इसको ब्राउन करेंगे अच्छे से। तो ये प्याज हमने हल्की ब्राउन कर ली है, इसमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे इतना ही कलर रखना है हल्का। अब हम इसमें लकड़ी डालेंगे, चीनी, दालचीनी लकड़ी, लौंग, इलायची छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, पत्ते और जीरा। अभी से अच्छे से चलाएंगे। अब जो हमने मटन रखे थे वॉश करके अच्छे से, अब वो डाल रहे हैं, डालेंगे। अब इसे अच्छे से चलाना है, यानी जो हमने ऑयल में सब प्याज वगैरह डाले हैं वो सब, और मटन एक साथ करके हम इसे मिक्स करेंगे। एक दो मिनट के लिए हम ऐसे ही चलाएंगे, फुल मीडियम पे, फुल फ्लेम पे, यानी फुल आंच पे हम इसको इसी तरह 1 मिनट तक चलाएंगे। तब ये 1 मिनट हो गए हैं। अब जो शिमला मिर्च हमने कट किए हैं वो डालेंगे। नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, दही। अब इसे अच्छे से चलाना है, अच्छे से चलाएंगे। अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बनाया वो डालेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे,
अब इसे ढक्कन को लगा के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। फ्रेंड्स हम इसे खोल के देखते हैं। बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे चलाते हैं। फुल आँच पे इसको इस तरह पकाएंगे। और जो हमने टमाटर लिया था उसका हमने ग्राइंड किया है तो वो डालेंगे। अब इसे मिक्स करना है यानी चलाना है। टमाटर डालने के बाद तो और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। टमाटर का पे इसलिए डाला है इसमें क्योंकि जो टेस्ट है उसका और ज़्यादा अच्छा है और जो खाने में यानी लजीज लगे, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक इसमें पानी ख़त्म यानी पानी जल जाए अच्छे से और जो तेल है वो छूटने लगे यानी निकलने लगे। तो इसको हम चलाते रहेंगे इसी तरह और गैस जो है हमें फुल रखना है। तो अब हम राइस बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने 3 पाव चावल लिया है जो कि पतले वाले हैं, देखिए ये वाले हैं। और ये हमने लिए हैं लकड़ी ली है, दालचीनी, ये 1/2 टेबल स्पून जीरा, 2 लौंग, इलायची 2 और ये पत्ते, और ये बड़ी लौंग ली है। अब हम भगोने रखते हैं। अब इसमें गैस ऑन करके इसे गर्म होने के लिए रखेंगे। फिर इसमें हम घी डालेंगे। तो अगर आप तेल डालना चाहते हैं तो तेल भी डाल सकते हैं। अब हमने इसमें घी डाल दिया है और ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें लौंग डालेंगे। लौंग इलायची तीनों हमने डाल दिया है, पत्ते और लकड़ी और जीरा। अब हम इसे पानी डालेंगे इसमें। तो ये हमने 3 ग्लास पानी डाल दिया है इसमें। अब हम इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं यानी पानी को पकने के लिए रख देते हैं। अब 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। अब ये पानी हमने रखा था पकने के लिए, अब ये पक रहा है बहुत अच्छे से। तो अब हमने ये जो चावल वॉश किया है इसे डालेंगे। तो ये हमने चावल डाल दिए सब। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाएंगे। अब इसको पकने देंगे। सालन की तरफ, तो ये सालन देखिए पानी चला गया है इसमें और तेल भी देखिए आ गया है इसमें अच्छे से। तो ये सालन तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप जिस हिसाब से आप इस सालन में पानी रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो हम इसमें पानी डालना है, 2 ग्लास पानी डालेंगे। अभी हमने इसमें पानी डाला है, देखिए कितने अच्छे से तेल आया है, देखिए बहुत अच्छे से आया तेल। अब इसमें हमने जो पानी डाला है इसको कम फ्लेम पे पकने देंगे क्योंकि पानी का कच्चा पन्ना है। तो ये सालन बहुत अच्छे से पक रहा है। जो हमने इसमें पानी डाला था पानी भी बहुत अच्छे से पक गया है यानी सालन में मिक्स हो गया और अब इसमें कच्चापन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रहा है ये। देखिए तेल भी है इसमें बहुत अच्छे से और जो मटन डाले थे वो भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। और सालन तो हो गया है। अब देखिए चावल में भी पानी है। तो अभी हम इसे बंद करके और कम फ्लेम पे इसे पकने देंगे ताकि चावल अच्छे से हो जाए। अब ये चावल तैयार हो गया है, इसमें पानी भी नहीं है। अब हम इसमें कलर डालेंगे। तो आप चाकू की मदद से, ये रहा कलर, और अब आप चाकू की मदद से इसमें बीच में कट लगाएंगे और इस तरह कलर उसमें डालेंगे।
अब हम इसे बंद करके लो आंच पर अब इसे पकने देंगे अच्छे से। चलिए खोलते हैं हम इसको। चावल हो गया है और चावल पक गया है, यानी दम हो गया है चावल में, और कलर भी अच्छा आया है। तो हमारा सालन राइस रेडी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हम सालन निकाल लेते हैं। तो ये हमने सालन निकाल लिया है, अब हम चावल निकाल लेते हैं। अब हम चावल निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने चावल भी निकाल लिया है। तो ये देखिए, तो हमारा कोरमा राइस तैयार है सलाद के साथ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। चावल का कलर भी बहुत अच्छा है और सालन तो ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है देखिए। और हमने इसे धनिया पत्ते से गार्निश किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।